rajim, rahim. Our very venerable viewers, we are uh, going to share uh, learning and internal dialogue uh, to cool oneself uh, down and also uh, to reflect upon the best course of action. It's very uh, useful and important to discuss because it is related with the uh, नेगेटिव थाट्स दोज आर प्रिवेलिंग कमिंग इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आस्पेक्ट्स एंड पॉजिटिव रिफ्लैक्शंस ऑफ द चाइल्ड टू बी नीड इड फॉर देंथ ऑफ द चाइल्ड सो इफ यू टॉक अबाउट के बच्चे आपस में जब अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो उनके कुछ थाट्स नेगेटिव है और हम उसको हेल्प आउट करते हैं कि वट आर द एविडेंसेज कौन सी बात है जो आपके जहन में इस तरह से आ रही है। और उसके लिए किस तरह से किसने कहा कौन कह रहा है किसी ने इस तरह से कोई कमेंट किया एंड इफ़ वी फाइंड आउट टू गेट दी एविडेंस यकीन उसके एविडेंस उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो हम उसको ए, इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये थाट्स अनरियलिस्टिक हैं और मसलन यह है कि उसकी बर्थ नहीं है उसको कोई रिकोगनाइज नहीं कर मसलन द पेरेंट्स आर ऑल्सो सेंग सम लेकिन पेरेंट्स उससे उसके लिए बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं हम वो एविडेंस भी उसे कंपेयर करके बताते हैं कि यू आर गेटिंग मैनी थिंग्स फ्राम योर पेरेंट्स पेरेंट्स आर वर्किंग फॉर यू एंड पेरेंट्स आर केयरिंग फॉर यू कौन कौन सी वो केयर आपकी कर रहे हैं और वो हम एनलिस्ट en कर देते हैं खाने पीने से लेके आराम से लेके बाकी चीज़ें जो वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं हम वो गिनवाते हैं और जब वो अपनी इन चीज़ों को काउंट करता है दोज़ आर वेरी पॉजिटिव और जब वो नेगेटिव चीज़ों को भी हाईलाइट करता है और उसके लिए उसके पास स्ट्रांग एविडेंस नहीं होते वो अगर किसी ने कोई जुमला कह दिया तो वो उसके सब अगर पेरेंट्स ने कहा है तो दे आर कंपनसेटिंग इट विद द अदर फैसिलिटीज अदर बंटीज ऑफ द लाइफ लेकिन आ, अगर किसी और ने किसी फ्रेंड ने किसी और रिलेटिव ने कोई ऐसी बात जुमला कह दिया है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी बर्थ नहीं है उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर यू सो इस तरह से वो अपने जहन से उन बातों को निकाल सक और इसमें यह भी है कि समाइम उसने कोई ऐसी कोई इवेंट मिस किया है कोई डेडलाइन मिस की है तो कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिस किया है तो हम उसके अल्टरनेटिव भी उसको बता सकते हैं कि इसके अल्टरनेटिव मौजूद हैं आप उसके उस पर सोच सकते हो पॉजिटिव थिंग्स थिंग दैट हैज़ बिन डन हो चुकी वो बात उसके बारे में अब यह है कि उसके नए प्लान मौजूद हैं उसके अल्टरनेटिव मौजूद हैं और वो फुल सेटेंस के साथ मौजूद है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहरा हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसी तरह हम बहुत सारी रीजंस Uh, जो uh, उसके वाक होने में होती हैं उसको उससे रियलाइज करवाते हैं और फिर हम उसके लिए उसके इकदाम करने के लिए उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और फिर यह कि वी आर ऑल्सो हेल्पिंग जो एविडेंसेस हैं आपने बताए हैं या हम आपके वो हेल्प कर देते हैं दैट इज नॉट ट्रू दैट इज नॉट सो बेस फॉर द इवेंट तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि इस वजह से तो ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप के अपने कंट्रोल में हैं और अब भी कंट्रोल में एनी आउ तो हम उसके जो थाट्स हैं उसको हम कहते हैं कि यू रिफ्रेम योर थाट्स अपने बारे में अच्छे थाट्स जो है ना वो आप फ्रेम करें उनको स्ट्रेंथ दें और उन, उनकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करें और टू बिकम मोर रियलिस्टिक बिकॉज अल्लाह ने आपको ख़ूबसूरत शक्ल दी है आपको आज़ाद दिए हैं आपको जिसम की तोनाई दी है आपको सोचने की देखने की सुनने की करने की सलाहियत दे रखी है तो ये सारी सलाहियतें जो है ना ये आपको एक मुजतम होकर एक बहुत मजबूत इंसान बना रही है। तो वाई नाट वी एकोमोलेटिवली कंकलूड और उसको हम ये साबित करें कि यस यू आर वेरी पावरफुल ड्यू टू दिस बंटीज ऑफ अल्लाह और इसी तरह ये जो छोटे छोटे एविडेंसेस हैं उसको एनमरेट करने में एनलिस्ट करने में उसको बावर कराने में हम उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और इस वजह से वो अपने आप को फुल स्ट्रेंथफुल महसूस करता है और ये है कि हम बाकायदा इक्वेशन डेवलप करते हैं कि दीज आर गुड थिंग्स आर मोर इन नंबर्स और दीज आर नेगेटिव थिंग्स जिसके बहुत कम एविडेंसेस हैं तो उसमें हम उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और जब चीज ये चीज़ें हम उसके जेन में पे कर देते हैं उसके ब्रेन के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसका आना बड़ा ज़रूरी है बाकी वो कंपैरिजन फिर वो फाइल चल पड़ती है वो चलते फिरते जहाँ नेगेटिव थाट की फाइल चल रही होती है उसके साथ पॉजिटिव फाइल भी चलने लग पड़ती है और द चाइल्ड बिकम गुड एंड गुड डे बाय डे व्हेन वी आर कंटिन्यूइंग वी आर स्टैंडिंग विद द विद द चाइल्ड तो बहुत सारे ऐसे यानी आई आइडियाज वो कंट्रोल uh, होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से भी के हम बात जो भी उसको सोचने का मौका देते हैं कि जो आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं बैड आइडियाज़ आ रहे हैं कि आपको खौफ है या कोई इस तरह से है कि कोई आपके बारे में कुछ सोचेगा या कोई आपको नुकसान पहुँचाएगा या कोई किसी तरह से भी हार्मफुल हो सकता है तो यू बी विजिलेंट अबाउट यू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट और उसमें हम उसमें, उसमें उसको यकीन दिलाते हैं कि ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है उस खौफ के लिए आ, अंधेरे में सेवाएं हमारी अपनी सोच के और कोई खौफ या कोई ऐसी बात इस तरह की कोई चीज़ वहाँ मौजूद नहीं होती जो बच्चे अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि ये अंधेरा छा गया तो फिर ये एक ये खौफ है जो हम अपने थाट के साथ उसके जेन के अंदर पेवस करते हैं तो वी आर टू रिमाइंड के यू आर ओके विद ऑल थिंग्स विद योर पॉजिटिव थिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो Uh, उसे पैनिक करती हैं जो उसको गुस्सा दिलाती हैं उसके बारे में उसको कहना चाहिए कि अगर आपको किसी ने ये कहा कि आप अच्छे नहीं हैं तो आप सोचें अपने बारे में कि आप उसने तो कोई उसकी दलील तो दी नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं तो आप तो अच्छे हैं क्योंकि आपके अंदर ये ये खसूसियात मौजूद हैं तो डोंट थिंक अबाउट किसी के कमेंट के बारे में ये मत सोचें कि उसने तो कहा था कि वो द टीचर वार सेंग दैट यू आर गुड पेरेंट्स वर सेंग दैट यू आर गुड और अपने दोस्तों के बारे में अपने यानी टीचर से ये तो रखनी चाहिए कि दे आर ऑलवेज़ एनूमरेटिंग यू इंडिकेटिंग यू योर पर गुड पर्सनैलिटी और आपको एक अच्छी शख्सियत के तौर पर वो आ, सामने लाए और फिर जो जो हमारी शॉर्ट वरीज हैं ये हो जाएगा ख़तरा के बारे में हम सोचते रहते हैं ऐसा होता नहीं बाद ऐसा आ, बिल्कुल नहीं होता और हम कुछ और सोच रहे होते हैं दूसरे फ्रेंड के बारे में हम सोच रहे होते हैं बच्चों बच्चे आपस में भी ये सोच रहे होते हैं कि वो दूसरा फ्रेंड है वो मुझसे नाराज़ है इस वजह से हमने जब उससे रबता किया पूछा बच्चे ने उससे पूछा उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं बातों का हम बीइंग टीचर आ, आ, सोच रहे होते हैं बल्कि बल्कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे खौफ ज़्यादा होते हैं कि टीचर विल आस्क अबाउट माई इंसल्ट तो कुछ अर्स के बाद वो पूछते हैं जी आपको याद होगा कि फला ऐसे इंसल्ट इस तरह से सिचुएशन uh, हुई और आप uh, खौफ रखते होंगे या फिर तो हम कहते हैं कि हमारे तो देर में वो बात नहीं थी तो इस तरह से द चाइल्ड हैविंग डिफरेंट आइडियाज बट एक्चुअली दैट्स नॉट इस बात का हमें उसे यकीन दिलाना होता तो ये छोटी छोटी जो बातें और इवेंट्स हैं ये बच्चे को पावरफुल कर देती हैं तो वी टू मेक पावरफुल साइंस And uh, we enable them to be powered and uh, make their personality uh, very graceful, powerful, and forceful. Thank you very much.